हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर भारती सांगी, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर कॉम्प्लेक्स की मसल्स यानी रोटेटा कफ मसल्स के बारे में। रोटेटा कफ मसल्स का काम होता है शोल्डर के अंदर वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड कराना और साथ ही उनमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। इसके अंदर हम चार मसल्स को इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम सिट्स मसल भी कहते हैं, यानी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीडीएस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस का काम है हमारा फर्स्ट 15 डिग्री का अबडक्शन कराना इन द शोल्डर। टीडीएस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस का काम है लेटरल रोटेशन कराना और सबस्कैपुलरिस का काम है मीडियल रोटेशन करवाना। जब भी हमारी रोटेटा कफ की मसल के अंदर कोई इंजरी या कोई डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं तो इस कंडीशन को हम रोटेटर कफ सिंड्रोम कहते हैं। अगर और क्लियरली कहा जाए तो रोटेटर कफ सिंड्रोम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि रोटेटर कफ मसल की माइनर इंजरी से लेकर सीरियस डिजेनरेटिव चेंजेस तक रेंज कर सकता है। किसी भी तरीके का पुअर पॉस्चर, पुअर कंडीशनिंग, इम्प्रॉपर एथलेटिक टेक्निक्स या फेलियर ऑफ द सब एक्रोमियन बर्सा टू सपोर्ट द सपोर्टिंग टेंडन वो कारण है जिनकी वजह से हमारे रोटेटर कफ मसल्स के अंदर प्रोग्रेसिव इंजरीज हो सकती है। ये प्रोग्रेशन इन्फ्लेमेशन से कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन से लेकर डिजेनरेशन एंड फाइनली टू द टीयर तक हो सकता है। जब भी हमें रोटेटर कफ सिंड्रोम होगा तो जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होता है पेन, जो कि लेटरल साइड ऑफ द डेल्टॉइड के अंदर होता है। इसके अलावा ये पेन बढ़ जाता है अगर हम कोई ओवर हेड एक्टिविटी करते हैं या हाथ की उसी तरफ सोते हैं। हम जब कोई भी मूवमेंट करते हैं शोल्डर का तो हमें वीकनेस फील होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है एक्सटर्नल रोटेशन के टाइम पर। जब भी हम रोटेटर कफ सिंड्रोम का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम रोटेटर कफ मसल्स का हर एक मसल्स का पर्टिकुलर इवैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहला टेस्ट है सुप्रास्पाइनेटस मसल के लिए, जिसके लिए हम लोग जॉब टेस्ट या एम्प्टीकेन टेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम पेशेंट को कहेंगे कि अपने शोल्डर को 90 डिग्री अबडक्ट करें और फिर हाथ को इंटरनली रोटेट करें इस तरह कि हमारा थंब जो है फ्लोर की तरफ फेस करें। अब हम ऊपर से रेजिस्टेंस देंगे नीचे की तरफ और पेशेंट को कहेंगे हाथ को ऊपर उठाने के लिए। अगर ऐसा करते समय पेशेंट को किसी भी तरह का पेन या डिस्कम्फर्ट होता है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। सेकेंड टेस्ट है इंफ्रास्पाइनेटस मसल के लिए, जिसमें हम आर्म को न्यूट्रल रखेंगे, एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करवाएंगे और पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने हाथ को लेटरली रोटेट करें अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अगर ऐसा करते टाइम किसी भी तरह का पेन या डिस्कम्फर्ट होता है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। तीसरा टेस्ट है टीडीएस माइनर मसल के लिए, जिसके अंदर हम हॉर्न ब्लोअर्स टेस्ट करेंगे। इसमें हम आर्म को 90 डिग्री की पोजिशन पर रखेंगे, एल्बो को फ्लेक्स रखेंगे और पेशेंट से कहेंगे एक्सटर्नल रोटेशन करने के लिए अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अगर ऐसा करते टाइम किसी भी तरह का पेन या डिस्कम्फर्ट है तो टेस्ट पॉजिटिव है। फोर्थ टेस्ट है हमारा सबस्कैपुलरिस मसल के लिए, जिसके लिए हम लोग लिफ्ट ऑफ टेस्ट करेंगे। इसके अंदर हम पेशेंट को कहेंगे कि अपने हाथ को पीठ की तरफ पीछे ले आए और पाम को बाहर की तरफ फेस करें, इसके बाद अपने हाथ को बाहर की तरफ उठाएं। अगर ऐसा करते टाइम किसी भी तरह का पेन या डिस्कम्फर्ट होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है और ये टेस्ट हम रेजिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमसे आके BTN फिजियो में कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।